और अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर में डीएसटी ईस्ट ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का, आपको बता दें कि इनाम घोषित है। देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। तो डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में, आपको बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई हुई। अठारह सितंबर को हुए गैंगवार में, आपको बता दें कि आरोपी फरार था, हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, इनामी बदमाश है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, जिसको गिरफ्तार करने में यह बड़ी सफलता मिली है। 18 सितंबर को आपको बता दें कि जो गैंग वॉर हुआ था, उसमें यह आरोपी फरार हो गया था। हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। 18 सितंबर को हुए गैंगवॉर में यह आरोपी फरार चल रहा था, हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा गिरफ्तार किया गया है, आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। डीसीपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। तो हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा गिरफ्तार किया गया है, यह बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गाड़ी इसके पास से बरामद की गई है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। रजाउल्ला हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। रजाउल्ला, हार्डकोर बदमाश रूपा मीणा गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए डीएसटी ईस्ट में एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूजा के सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मालवीय नगर थाना का जो फरार 25,000 रुपए का इनाम के हार्डकोर बदमाश है रूपा मीणा, उसको गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी के खिलाफ तकरीबन 25 से ज्यादा जो मुकदमे अलग अलग थानों के अंदर दर्ज है। हार्डकोर अपराधी जो है रूपा उर्फ रूपा मीणा के साथ से एक देसी पिस्टल, एक कारतूस के साथ साथ एक बोलेरो गाड़ी की है वो यहाँ पर जब्त हुई। उसके अलावा हार्डकोर अपराधी जो रूपा मीणा है और मनीष सिंह के जगतपुरा इलाके में श्री हॉस्टल के सामने 18 सितंबर 2024 को आपसी गैंगवार को लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी जो है वो फरार कर रहा था। डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम पर जो कार्रवाई है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चलिए, मोहम्मद रजाउल्लाह, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।